हाय फ्रेंड्स, हमारे आपके यूट्यूब चैनल SKPY रविशर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे पर्यावरण के बारे में थोड़ा, जो कि विशेषकर पर्यावरण दिवस पे बनाया गया है। इसमें आपको बताते हैं कि पर्यावरण से अपने को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और पेड़ों की वजह से अपना अस्तित्व बना रहेगा या नहीं, या उसके ज़्यादा फायदे हैं या नुकसान हैं, इसके बारे में अपन बताते हैं। देखिए, पर्यावरण संरक्षण ही बच सकता है हमारा अस्तित्व। इसका मतलब आप समझते होंगे कि कैसे बच सकता है अपना पर्यावरण से अस्तित्व हमारा। चलो देखते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट डे होता है, वो कब व क्यों मनाया जाता है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बारे में ट्रीज होते हैं उनकी डिटेल्स देंगे अपन, ठीक है। तो देखो, कब और क्यों मनाया गया, ये 5 जून को मनाया जाता है, ये सबको पता होगा। लेकिन मनाने का, 5 जून को ही मनाने का महत्व क्यों है? देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बैठक हुई थी इसमें 5 जून 1972 को, ठीक है। उसी दिन से 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाने की परंपरा चलने आई है, ठीक है। ये पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी 1972 को, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं उद्देश्य क्या है पर्यावरण दिवस मनाने का। जो प्रदूषण हो रहा है ना, प्रदूषण हो रहा है, उसे रोकने के, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट पृथ्वी का, उसको डाउन करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए, या फिर प्रकृति को जो दूषित होने से बचाने के लिए, बहुत सारे कारण हैं इसमें। ये हो गया अपना पर्यावरण दिवस से संबंधित, ये क्यों मनाया जाता है ये आपको बता दिया, इसी दिन क्यों मनाया जाता है, ठीक है। अपन देखते हैं फिर, आप देखिए, आपको पता है शायद कि पेड़ है ना, पेड़, ट्री, वो धरती के सबसे पहले जीवित प्राणियों में से एक हैं। पेड़ हैं जो पृथ्वी के सबसे पहले जीवित प्राणी हैं, वो आपको शायद पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। और पेड़ों की मृत्यु है ना, उनकी उम्र के कारण नहीं होती, उनकी मृत्यु होती है वो किसी बीमारी या किसी फंजाई या बैक्टीरिया, उसकी वजह से होती है, ठीक है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण एज नहीं होता कभी भी, ठीक है। चलो आपको एक फैक्ट और बताता हूँ मैं, जो अपना दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका, उसमें अंजीर का एक पेड़ है, अंजीर का बहुत बड़ा पेड़ है, जिसकी जड़ें हैं ना, जड़ें वो जमीन में 400 फीट तक गहरी हैं, 400 फीट बहुत होता है, 400 फीट तक गहरी हैं। और उसी, मतलब एक अंजीर ही ऐसा पेड़ है ज़्यादा, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जा सकती हैं। आप देखो, इसमें डायग्राम देख सकते हो, ये वो पेड़ है और ये उसकी जड़ें हैं, देखो कैसे अंदर तक गई हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट मैं बताऊंगा आपको आगे बहुत सारे, जो ट्री से संबंधित हैं, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद, देखो, अब आपको शायद पता हो या ना पता हो, अपन बताते हैं कि एक पेड़ एक साल में तकरीबन 21.7 kg CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उसे ग्रहण करता है, जो कि अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ उसको ग्रहण करते हैं, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे अपन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो एक साल के अंदर एक पेड़ 21.7 kg CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, और उतनी जितनी एक साल में होगा उतना एक दिन के अंदर ऑक्सीजन निकाल देता है वो, ठीक है, उतनी एक दिन के अंदर ऑक्सीजन निकाल देता है वो, ठीक है। और जितनी एक दिन के ऑक्सीजन निकालेगा ना, उससे 4 आदमी जीवित रह सकते हैं। आप सोचो कितना ज़्यादा महत्व अपनी लाइफ में पेड़ों का। मैं पेड़ों का अस्तित्व बता रहा हूँ, उसकी वजह से अपना अस्तित्व बना रहेगा पृथ्वी पे, वरना पेड़ खत्म होते गए तो अपना अस्तित्व भी खत्म होता जाएगा, ठीक है। आप सोचो एक साल के अंदर एक पेड़ 21.7 kg CO2 एब्जॉर्ब करता है, और उतनी की उतनी एक दिन के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, जिससे चार इंसान जिंदा रह सकते हैं। ये फैक्ट कितना शानदार फैक्ट है, आप सोचिए। देखिए और बताता हूँ आगे, एक देखो ये भी बहुत शानदार फैक्ट है कि आपने सुना होगा अमेजन वन, जो अमेजन नदी के किनारे हैं,
चारों तरफ फैले हुए हैं, बहुत बड़ा वन का एरिया है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है वो, ठीक है। तो सॉरी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। तो पूरे वन है ना, पूरे वन, अमेजन वन, उनको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। क्यों? अपन जैसे सांस लेते हैं वो फेफड़ों से लेते हैं, ठीक है। अब अपन सांस फेफड़ों से ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सांस लेने में, उसी टाइप से अमेजन वन है ना, उनमें इतने वृक्ष लगे हुए हैं, इतने जंगल हैं, इतने पेड़ हैं कि पूरी पृथ्वी पे जितने वन हैं उससे जितनी अपने को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, टोटल का 20% तो उस अमेजन वन से ही प्राप्त हो जाती है हमें। इसलिए अमेजन वनों को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़े, ठीक है। जैसे इसमें भी बताया हुआ है, दुनिया के 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से पैदा होती है। यह जंगल 8 करोड़ 15 लाख एकड़ में फैले हुए हैं, ठीक है। देख लो कितना इनका एरिया है, और देखो ये डायग्राम देख लो, इस टाइप से ही है वो अमेजन वन। अमेजन नदी वहां पे बहती है, ठीक है। फिर अगला फैक्ट देखते हैं अपन। देखो ये भी शानदार फैक्ट है कि पेड़ है ना पृथ्वी पे कितने हैं, इसका काउंटिंग करना तो मुश्किल ही होगा। इससे आप समझ सकते हो कि कैसे, देखो आपने अपनी आकाशगंगा है जो गैलेक्सी है उसका नाम पता होगा, क्या नाम है? मिल्की वे, ठीक है। और वैसे आपको पता है आकाशगंगा होती क्या है? जहां पे एक सन होता है उसके चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उसके एरिया को पूरे को ही आकाशगंगा बोल सकते हैं। और अपनी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे या मंदाकिनी है, ठीक है। तो मंदाकिनी के अंदर जितने सितारे चमकते हैं, मंदाकिनी के अंदर सितारे मतलब तारे चमकते हैं, उतने के उतने उससे भी ज्यादा पेड़ हैं पृथ्वी पे। एक तो ये फैक्ट, दूसरा ऐसे समझिए अपना मस्तिष्क होता है, अपना मस्तिष्क होता है उसमें मौजूदा कोशिकाएं होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं जिसको अपन देख नहीं सकते आंखों से। तो उसके अंदर जितनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के आधार पे यदि पेड़ों को देखा जाए तो वो कोशिकाएं भी एक बार कम पड़ जाएंगे, इतने पेड़ हैं अपनी पृथ्वी पे, ठीक है। तकरीबन बताते हैं करीब 40 अरब पेड़ मौजूदा हैं अभी पृथ्वी पे, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं? यदि इन फैक्ट में दम है तो आप बता सकते हो, अपना अगला वीडियो भी बना सकते हैं हम, ठीक है। चलो, यदि आपको फैक्ट में कोई कमी लगे या कोई मिस्टेक है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगेन प्रस्तुत होंगे आपके सामने ऐसे ही फैक्ट लेके। धन्यवाद।